अब अगर तुमने ये ग्रेनेड मिस कर दिया ना भाई, तो तुमने सब कुछ मिस कर दिया इस गेम प्ले में। तो सबसे पहले अलग ग्रेनेड देखो, जिसमें कि एक ग्रेनेड से तीन चार बंदे खत्म हो गए। तो स्वागत है तुम्हारा आज किस वाले वीडियो में, और मजा आएगा आज। अब देखो, जैसा कि तुमने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, स्कैम विद गर्ल गेमर्स। भाई इस वाले मैच में मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं किसी लड़कियों की लोबी में आ गया, कसम से। बहुत सारी लड़कियों इस वाले मैच में हमने मारी, कसम से भाई भूत बना दिया लड़कियों का। तो और आज क्या गेम प्ले तुम देखना, काफ़ी दिनों बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लोबी लगी है। मेरे पास और भी गेम प्लेस पड़े हुए थे, बट वो मैं डालना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें ऐसी लोबी नहीं थी भाई जैसी ये खतरनाक लोबी थी। इसमें आए हुए भाई अमीर अमीर बंदे, खतरनाक स्प्रे देने वाले बंदे, ऊपर से भाई लड़की है। तो मैंने कहा यार ये मैच तो गाइस तुम्हें दिखाना बनता है, क्योंकि 8-9 दिन बाद में वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि एक तो ये मैं वर्ल्ड में बहुत कम खेलता हूँ, ठीक है, पर जब खेलता हूँ तो भाई मतलब तुम्हें पता है तबाही मचाते हैं। तो ठीक है, फिलहाल अभी मैं यहाँ पर उतरा हुआ था हॉट ड्रॉप पे, और उतरते ही भाई यहाँ पे मेरा एक टीममेट उधर चला गया और मुझे कोई गन वगैरह दिखाई नहीं दी। यहाँ पे मुझे ये मिले हेलमेट वेस्ट और भाई स्कोप विस्कोप। भाई बिना स्कोप के गन क्या क्या काम, मतलब गन के बिना स्कोप का क्या काम। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे एक ओक मिल गई, उसी के साथ अपने स्पेयर मिल चाहिए भाई साहब। M4 भी अपने हाथ में थी, और आज हमने लगा इसकी फुल M4 फिलहाल यहाँ पे एक बंदे को नॉक करा और इसको पूरा का पूरा फिनिश डाल दिया। अब तुम देखना, मैं तुम्हें वो भी चीज़ दिखाऊंगा कि भाई लड़कियों के साथ कैसे स्कैम करा, किधर बंदे मारे हमने खतरनाक। अभी फिलहाल मेरे पास M4 की रोटेट करता हूँ, दो बंदे मारता हूँ यहाँ पे। दोनों को मारा एक के साथ, सेल्फ रिवाइव की डिफेंस सबसे पहले इसे फिनिश करा। अब इनको मारने के बाद नीचे उतरता हूँ तो भाई नीचे पूरा डैमेज पड़ जाता है, फुल डैमेज। मैंने कहा भाई ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मेरी किस्मत बड़ी खराब चल रही है आज, ठीक है। उसके बाद मुझे एक और लाश दिखती है नीचे आती ही, बट उसकी बेटी बन जाती है। उसके बाद ऐसा खिल चुरा लूँ, बट नहीं भाई मैं चुरा ही नहीं पाया, मतलब बंदा पहले ही मर गया। और ये गाली वाली आ रही है भैया, थोड़ा सवाल गया हेडफोन लगा के। तो फिलहाल यहाँ पे एक बंदा था, इसको नॉक करा और बारी दिन पे पुश करने की, पर भाई तो सही कवर दे रहे थे एक दूसरे को। मैं फिनिश करने का ट्राई कर रहा था, पता नहीं मेरे सामने से मेरे काफी लड़ा ने दिया कवर में भी आ गया। तो उसके बाद भाई मैं करता हूँ रोकी करता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट अच्छी कवर देता है, बच जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सीन होने वाले हैं ना भाई इस गेम प्ले में, तुम देखना गाइस आगे जाके गेम प्ले इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे फिलहाल हमने इन बंदों को मारा और इन्होंने हमारा एक बंदा मार दिया था पूरा का पूरा। अभी हम थोड़ा सा फॉल बैक लेते हैं पीछे। मैंने कहा भाई ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुम इन बंदों से डर गए। अगर तुम ऐसे प्रिटेंड करते हो ना भाई लोग इसमें कि तुम थोड़ा सा डर गए तुम पीछे को जा रहे हो, तो बंदे खुद गलती करते हैं, तुम्हें खुद ही मौका देते हैं। तो फिलहाल अभी देखो हम वैसे ही प्रिटेंड करते कि हम इन बंदों से डर रहे हैं, बट डर नहीं रहते। एक बंदा इनका नीचे आता है, इसे मारो। और यहाँ पे मेरे हाथ में नेड था भाई, मैंने नेड हटाया फिर उसको मारा। अभी मैं दोबारा से हाथ में नेड लेता हूँ, क्योंकि भाई नेड तो मतलब जरूरी है गाइस। और नेड से तीन चार बंदे भी तो टपकाने हैं। अभी इनका एक बंदा मैंने मार दिया था, और जितने भी बाकी सारे बंदे बच रहे थे ना भाई वो मरेंगे नेड से, देख लेना। तो इसी के साथ यहाँ पे इनके जितने भी बंदे थे सारे के सारे नेड से मर गए। और भाई तुम किल फीड चेक कर सकते हो, एक एक बंदे का किल फीड आ रहा है ऊपर, सब भाई वैनम शिकारी फिकारी सारे फेल दिए भाई नेड से। चलो अभी इन्हें फिनिश करते हैं और चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और ड्रॉप से। भाई क्या ही नेड लगा होगा, मतलब इनका रिएक्शन देखने वाला होगा भाई, मैं इनका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। लेकिन इनके नेड पड़ा ना और ये तीनों बंदे एक नेड से मर गए, तो मैं इनका रिएक्शन देखना चाहता था कि भाई क्या रिएक्शन था इन बंदों का, क्या ही क्लच मारा यहाँ पे बंदी को। तो फिर इन बंदों को मारा, एक लास्ट बंदा बच रहा था, इसको भी फिनिश किया। उसी के साथ साथ हम गाइस निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पूरे बंदे खाली हो गए मार के। और ये बंदा भाई पूरे क्या होते हैं भाई, फिनिश क्यों करते हैं, मेरे टीम मेट को एक और बार फिनिश कर दिया। छोड़ो गाइस कोई नहीं, होता रहता है भाई, फिनिश विनिश तो चलता रहता है, बट मैं नहीं मरा यहाँ पे, वो सबसे सही बात है। अगर मैं मर जाता तो आई थिंक सो मेरा रिकॉल वेस्ट हो जाता। देखते हैं आगे अपने रिकॉल काम आएगा या नहीं। अभी फिलहाल हम आ जाते हैं पोचिंग की में, और यहाँ से हो जाती है गाइस लड़कियों के आने की शुरुआत। सबसे पहले हम यहाँ पे भरते हैं एक पायल नाम की लड़की को, फिर उसके बाद एक और लड़की को, फिर हर्षी पर्षी को भर देते हैं, फिर उसके बाद भूमि भूमि को भर देते हैं। मतलब तुम नाम पढ़ते जाना और लड़की पिटती जाएंगी, ठीक है, तुम सिर्फ नाम पढ़ते जाना और लड़की पिटेंगी। आज देखना बस तुम क्या होगा। आज तो बहुत ही बुरे गुस्से में आया हुआ हूँ गाइस, गुस्से में हूँ आज, आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। तो फिलहाल अभी इधर को आता हूँ, और मुझे एक बंदा दिख चुका था इधर ऊपर घूमता हुआ, और देखना इसे कैसे मारता हूँ। अब इस पर एम तो बैठ नहीं रहा, ये जाके छुप गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डाल देता हूँ मोली, ताकि ये निकल ना पाए। अब उसी के बाद तुरंत एक नेड, जैसे ही मोली खत्म होगी निकलने की कोशिश करेगा तुरंत नेड में फटेगा। और ब्लैक डेविल नाम बताइए क्या है, ब्लैक डेविल, ये साले डेविल का नाम देख के मुझे वही याद आ गया कि वो मीम देखा गया, तुमने नाम बताइए ब्लैक डेविल। वो मस्त मीम है भाई, मस्त मीम, मतलब कसम से बहुत बढ़िया चीज़ है वो।
तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमने इस बंदे को मार दिया था, और आई थिंक जो ये एक ही लड़का था उन लड़कियों के साथ जिसको हमने पेला, अब बाद में यहाँ पे लड़कियाँ पिलेंगी इसकी टीममेट। पता नहीं भाई इन लोगों को कहाँ से इतनी तीन तीन चार चार लड़कियाँ मिल जा रही हैं साले खिलाने के लिए, बट पेलेंगे गाइस तुम टेंशन मत लो, सबको मारेंगे अभी। अभी फिलहाल तो मैं इसकी बेटी में थोड़ा ज़्यादा मगन हो गया था, मैंने कहा भाई क्या है इसकी बेटी में ज़रा देखूँ, तो उसके बाद भाई मेरे टीममेट ने वहाँ पायल वायल चटका दी, पलक पुलक चटका दी, मैंने कहा भाई क्या हो गया तुम्हें, तुम गुस्से में आए हुए हो गए, अभी देखना यहाँ पे कैसे किल फीड आएंगे। ये देखो भाई, ये देखो एक भाई अपना सीबी लक की मरा पहले, इसके बाद मरेंगी पलक जी, फिर मरेंगी भूमि जी, फिर उसके बाद और लड़की आ जाएंगी भाई, अलग ही लोभी थी कसम से, अलग ही मजा ही आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पे आती है भूमि जी, ये देखो भूमि जी को तो पता भी नहीं लगा हुआ क्या इनके साथ, कसम से मैं बता रहा बीच में की लड़कियों को आधी बार कुछ पता नहीं लगता क्या हो रहा उनके साथ। तो फिलहाल इसे भी मारा आराम से, और यहाँ पे एक बंदा था ब्रोकन वॉल के पीछे, बोट था तो इसको भी मार दिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई बोट मारना जरूरी है, तो फिलहाल बोट मारा, और जैसे ही बोट मारा उसके बाद भाई ये पंकज भाई, ये नोट योर पंकज था ना इनका साले जिसने मारा था, ओहो TX हर्षी, यही 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 गाइस, ये जो मारा ना मुझे TX हर्षी ने, इसका तो जो मैं भूस भरने वाला हूँ तुम देखना भाई, कसम से बहुत बुरा मारूंगा इसको, बहुत बुरा ग्रेनेड से मारूंगा गाइस, ग्रेनेड से इसने नोक कैसे कर दिया मुझे। लेकिन भाई आजकल लड़कियों से नोक हो रहे, बताओ ये क्या इज्जत रहेगी है जो समाज में हमारी, कुछ इज्जत नहीं रहेगी हम लड़कियों से नोक हो रहे हैं। कोई नहीं गाइस देखते हैं देखते हैं देखते हैं, मारेंगे मारेंगे टेंशन मत लो साला, लड़की वही मारेंगे, मतलब लड़कियाँ नोक कर रही हैं भाई, अभी तो फिलहाल मेरे टीम मेट ने नोक करता हूँ, उन्हें दोबारा से मैं उन पर पुश करता हूँ, और ये पंकज वंकज को और मारूंगा, जो लड़कियों के साथ लड़के आते हैं उन्हें ज़्यादा मारता हूँ मैं, पता होगा तुम्हें। तो अभी फिलहाल इसको देखना कैसे मारता हूँ, नेट डालता हूँ एक ऊपर, बट थोड़ा ज़्यादा ही कुक कर देता हूँ हाथ में, क्या करूँ गाइस थोड़ा हो जाता है, ये स्मोक इफेक्ट देख रहे हो खतरनाक, शिनोबी कामी भाई मैक्स करिए थोड़ी सी, थोड़ी लेवल बढ़ाए मैक्स नहीं करिए अभी फिलहाल। ये गई यहाँ पे हर्षी जी, सारी बहुत ही स्प्रे दे रही थी, नहीं बाबू कल अगर ये वीडियो देख रही होगी ये तो ये मुझे देगी गाली, ये बोलेगी मुझे जाहिल गवार जैसे लड़की से बात करनी, कोई नहीं गाई तो पूरा फिनिश मारेंगे, मुझे नॉक कैसे करा। तो फिलहाल इसको मारा, उसके बाद इसके दोस्त वोस्त यार जो भी थे अब उनकी भी बारी है, और ये देखो पंकज भाई कूदते हुए, अरे पंकज भाई इधर आओ तुम्हारी ना, और इसी के साथ नोटी और पंकज भाई भी यहाँ पे जाते हुए बड़े आए थे, बिल्कुल जंप वंप करके मारने की ट्राई कर रहे थे। पंकज भाई ऐसे नहीं खेला जाता यार इस कोड हाउस पे, ऐसे नहीं खेला जाता, मैं तुम्हें किसी दिन सिखाऊंगा, हर्षी जी को तुम हमारे साथ खिलाना ठीक है, अभी नहीं, अब फिलहाल यहाँ पे इन बंदों को मार देता मैंने, और उसके बाद मैं एंटर दबाता हूँ तो रोबोट के अंदर आ जाता हूँ, और बंदों ने भी रश कर देता, देखना अभी इन बंदों को भी कैसे डराते हैं, बड़े निपटाएंगे यार इन बंदों को, टेंशन मत लो तुम। अभी फिलहाल तो फर्स्ट एड वगैरह लगा ली थी, और बंदे भाई थोड़े ज़्यादा ही अग्रेसिव हो रहे थे, पता नहीं छतों पर से कूद रहे बंदे, पैराशूट ले लेके आ रहे, मैंने कहा भाई क्या हो गया इन्हें, ये गुस्से गुस्से में आ गए, और अब तो मेरा रिकॉल भी जा चुका था, 15 किल थे मेरे, बट रिकॉल वगैरह भाई मेरे को कुछ नहीं बच रहा था, तो मैं परेशान हो चुका था यहाँ पे, मैंने कहा भाई करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, बंदे चारों तरफ से स्प्रे दे रहे थे, और मैं स्कोड हाउस के नीचे फंस चुका था। अब यहाँ पे बस एक ही चीज़ हो सकती थी भाई, हमें बड़े तरीके से रस मारना था और बस निकालना था यार ये जो बंदे हैं ना, तो यही बंदे गलती कर देते हैं, थोड़ा रुक के खेलोगे तो तुम दूसरे बंदे गलती कर ही देंगे। तो फिलहाल जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है उसमें 7 चिकन डिनर वाला एक इवेंट आने वाला है, वो भी हम करेंगे, तो भाई वो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे ही ये में चैलेंजेस आते हैं मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि थोड़ा सीरियस गेम प्ले हो जाता है ना, वरना तो मौज मस्ती में चलता रहता है। अब फिलहाल इस बंदे को मारा, अब जैसे ही मैंने इस बंदे को मारा मैं सीधा गया ऊपर, और यहाँ पे मैंने ये लगाई अपनी फर्स्ट एड किट, डेंजर है। अब हमें जैसे ही फर्स्ट एड किट लगाया था भाई, मैं देखता हूँ बंदे इधर उधर से रोटेट मार रहे हैं, और भाई जोन हमारे ऊपर था नहीं, तो मैंने अपने टीम मेट को बोला, मैंने भाई तू और मैं दोनों यहाँ से निकलते हैं, वरना भाई इतने बुरे मारे जाएंगे ना आप, इतने बुरे तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी हमारा बस निकलने का ही प्लान था, और देखते हैं हम दूसरे बंदे कैसे निकल रहे हैं, और हमारे पास गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, पर जेट पैक था, जेट पैक से जा सकते हैं। और इस गेम में भाई जो अभी के टाइम में मैटा चल रहा है ना भाई, ये सेल्फ रिवाइव वाला, इसके चक्कर में मैं थोड़ा आज दिक्कत हो जाती है, तुम देखना आगे कैसे दिक्कत होगी और क्या कैसे चीज़ें चेंज हो जाती है, अगर एक छोटी छोटी सी चीज़ें आती हैं तुम कैसे कोई जीता हुआ मैच हार भी सकते हो किसी एक छोटी चीज़ की वजह से, मैं बोलूँगा नहीं गलत है, कभी कभी हमें भी हेल्प करती है, कभी कभी दूसरे बंदों को भी हेल्प करती है, और इसी तरीके से BGMI और पबजी मोबाइल का मैटा काम करता है। पहले पबजी मोबाइल में बड़ा सिंपल मैटा था, नो रिकॉल नो कुछ भी, मतलब खेलो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नदी पार करके और उस बंदे को टपका दूँ। अब भाई ये जेट पैक लेके ऐसे उड़े उड़े जा रहा, तो फिलहाल मैंने दोनों को करा बाजी से दी गई, और दोनों को छोड़ दिया, एक बंदा यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया, और एक किल मेरा चुरा लिया, पता नहीं किसने भाई, पता नहीं किसने यहाँ पे क्या हुआ,
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई, मेरा किल विल नहीं आया, पर किसी और ने नॉक कर दिया था उस बंदे को, दूसरे वाले को, उसको बनना है दो किल थे यहाँ पे मेरे आराम से बढ़िया। तो मेरी एमो खत्म हो चुकी थी 5 की, तो मैं अपने टीममेट से एमो ली, शैग में आ गए, और ये साला पता नहीं क्यों नहीं स्प्रे दे रहा था जब मैं वहाँ पानी वाले बंदे को स्प्रे दे रहा था। तो फिलहाल इधर मैं आया, अभी कोने में आ जाता हूँ और यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ। अब मैं वेट करता हूँ अपने टीममेट का, टीममेट मुझे एमो देता है, फिर हम रश करते हैं बंदों पे। यहाँ पे एक पत्थर के पीछे बंदे ने मुझे देख लिया था बढ़िया आराम से, मैंने कहा भाई ये तो मारे गए, तो वो मारने स्टार्ट करी, मैं थोड़ा सा बचा यहाँ पे। अब मैं हीलिंग वगैरह करता हूँ और वहाँ पे बंदों को नॉक करता हूँ, देखना कैसे। यहाँ पे इस बंदे को नॉक करा, बारी थी एक और बंदे की जो पत्थर के पीछे था, और आराम से इसको भी नॉक कर दिया मैंने। यहाँ पे दोनों बंदों को नॉक कर दिया, पर भाई मेरी किस्मत खराब, दोनों पे सेल्फ रिवाइव किट, दोनों पे, दोनों खुद ही रिवाइव हो गए भाई, एक बंदे को दो दो बार मारना पड़ रहा। तो यही चीज़ें होती हैं यार जो तुम्हें इरिटेट कर देती हैं आधे टाइम पे, मतलब ये चीज़ें हमारी तो इतनी हेल्प नहीं करती, सेल्फ रिवाइव वाली दूसरे बंदों को ज़्यादा हेल्प करती है। तो लास्ट सर्कल में देखो मैं बच रहा था आराम से, यहाँ पे मैच निकलता, तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को दो बार मारा, इसको मैंने मार दिया पत्थर वाले को दोबारा। अभी यार डर गया था पता नहीं क्यों मुझे देख के, तो फिलहाल इसे मार दिया। उसके बाद बारी थी इसके दूसरे बंदे की, भाई वो बंदा यार एक, मैं यहाँ पे जोन में जाने की ट्राई करूँ या उस बंदे को मारूँ, वो डैमेज देखो कितना पड़ रहा था। तो फिलहाल मैं जोन में जाने की ट्राई करता हूँ, मैं निकल जाऊँगा, बट भाई ये जेट पैक एक तो उड़ने में इतना टाइम लगा देता है, ऊपर से यहाँ नोक हो जाता हूँ मैं, और उसके बाद वो निकलता है पत्थर से और मार देता है मुझे। तो होप सो गाइस तुम आज के लिए मेरे वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो गाइस मेक श्योर लेवल आइकन सब्सक्राइब टू द चैनल, और जो आज लड़कियों को भरा भाई मजा आ गया कसम से, मैं तो बहुत मजा आता है भाई बीजे में लड़कियों को मार के। तब तक के लिए मिलते हैं किसी को वीडियो में, किसी को साथ, बोले बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।